सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। ये एक लेक्चर सीरीज होने वाली है जिसमें हम कवर करेंगे पाइथन और पाइथन बेसिक्स और एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम पाइथन को डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर रन करेंगे। उसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एनाकोंडा। एनाकोंडा को सबसे पहले आप गूगल में सर्च करो, एनाकोंडा डाउनलोड, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगी एनाकोंडा पाइथन आर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डाउनलोड। इसको आपने राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करना है। जैसे न्यू टैब पे आप इसको ओपन करोगे, आपके पास ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में हमारे पास अवेलेबल है एनाकोंडा डाउनलोड के लिए दो वर्जन अवेलेबल हैं, जिसमें 3.7 वर्जन है और 2.7 पाइथन वर्जन है। तो हमने पाइथन 3.7 वर्जन एनाकोंडा को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड बटन पर प्रेस करोगे, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पाइथन 3.7 वर्जन आपको डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और जैसे ही आप नेक्स्ट प्रेस करोगे तो आपका जो पाइथन सॉफ्टवेयर है एनाकोंडा के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं जो कि पाइथन के साथ जो एनाकोंडा नेविगेटर है उसके साथ इंस्टॉल होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो जुपिटर, स्पाइडर, नमपाई, साईपाई, पांडास, और ये सारे पैकेजेस जो हैं टेंसर फ्लो, कोंडा, ये इंस्टॉल हो जाएंगे एनाकोंडा जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ। तो जैसे ही आप ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लोगे, आप स्टार्ट मेनू पे जाओगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा एनाकोंडा 64 बिट। तो यहाँ पे आपके पास है एनाकोंडा नेविगेटर। आप इस एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन करोगे, तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे डिफरेंट एडिटर्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। जनरली हम दो एडिटर्स को ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट है आपका जुपिटर नोटबुक, जिसमें हम लाइन बाय लाइन कोड को लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और दूसरा है स्पाइडर, जिसमें कंप्लीट प्रोग्राम को आप लिख सकते हो और कर्नल कंप्लीट प्रोग्राम को रन कर सकता है। तो फर्स्ट हम इस बटन पे जाएंगे और यहाँ पे इसको लॉन्च कर देंगे। तो हमने यहाँ पे, आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे हमने एक टेंसर फ्लो GPU एनवायरनमेंट क्रिएट किया है और बेस रूट जो है उसको हमने एज इट इज़ छोड़ दिया है। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी आप कोई इंस्टॉलेशन करते हो या प्रोग्राम में कोई चेंजेस करते हो तो कुछ ना कुछ करप्ट फाइल्स हो जाती हैं, तो जिससे आपका एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो सकता है। अगर आप बेस में करोगे तो पूरा सॉफ्टवेयर आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उस एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, हम सबसे पहले ये एनवायरनमेंट में जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही आप प्लस क्रिएट के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा कि आपने एनवायरनमेंट का नाम क्या देना है। तो आप इसमें एनवायरनमेंट का नाम दे सकते हो और पैकेज पाइथन 3.5 यूज़ करना है या 3.7 यूज़ करना है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो और उसके बाद इसको क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो जो पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद अगर मान लो ये इंस्टॉल नहीं है तो इसके ऊपर आप इंस्टॉल पे जाओगे और प्रेस करोगे। सिंपल, जैसे ही आप इंस्टॉल पे जाओगे तो प्रेस करने के बाद ये पूछेगा आपको कि आपने ये इंस्टॉल करना है या नहीं। तो अगर आपने यस कर दिया तो ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जनरली हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया है। तो आप देख सकते हो सिर्फ मैंने दो ही इंस्टॉल किए हैं, फर्स्ट वन जुपिटर, सेकंड वन इज़ स्पाइडर। ओके, तो जैसे ही आप लॉन्च बटन इस पर प्रेस करोगे तो ये
ये न्यू विंडो पे ओपन हो जाएगा, जैसे आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे एक्सप्लोरर, तो एक्सप्लोरर में ये न्यू विंडो पे आपका प्रोग्राम जो है ओपन हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आप किस तरह से फाइल को क्रिएट करोगे वो ऑप्शंस आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये डॉक्यूमेंट जो हमारी लाइब्रेरी है इसके अंदर मैंने पाइथन फोल्डर क्रिएट किया है, उसमें एआई है, फर्स्ट मॉड्यूल 1 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन हमने यूज़ किया है। ओके, तो इसमें मैंने डिफरेंट फोल्डर्स बनाए हैं। तो आप कैसे करोगे, तो जैसे मान लो आप डॉक्यूमेंट में हो, यहाँ बहुत सारे फोल्डर हैं, आप यहाँ से जाके इसको न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, और उस फोल्डर को आप फाइल में जाके रीनेम कर सकते हो। जैसे ये है, इसमें आप जैसे कोई भी फोल्डर पे आप जा रहे हो, पाइथन में एआई फोल्डर है। ओके, तो एआई फोल्डर्स को यहाँ पे आप इसमें रीनेम वगैरह भी आप इसमें कर सकते हो, अगर आप इसी में इसको रीनेम करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो जैसे मॉड्यूल 1 है, इसी में हम गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन जो हमारी पाइथन फाइल्स हैं उनको हम ओपन करेंगे। तो जब भी आप इस एडिटर और इस नोटबुक जुपिटर नोटबुक में कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, तो इसकी एक्सटेंशन जो है IPython फाइल से बनती है, और जब भी आप इस फाइल को क्रिएट करोगे इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो PY फाइल में। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पाइथन गेटिंग स्टार्टेड वाली जो फाइल है ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने ऑलरेडी सारे जो प्रोग्राम हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ताकि हमारा टाइम जो है सेव हो जाए। ओके, तो इस फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, तो इनिशियली जब भी आप कोई फाइल बनाओगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर मान लो आपने कोई न्यू फाइल बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, तो जैसे ये आपकी विंडो थी जहाँ पे आपने सारे प्रोग्राम रखे हुए थे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, न्यू में जा सकते हो और Python 3 पे क्लिक करोगे तो आपके पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, मतलब ये न्यू फाइल आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब इस फाइल को आप कैसे रीनेम कर सकते हो, तो आप यहाँ पे फाइल में जा सकते हो, रीनेम कर सकते हो इसको, तो यहाँ पे बेसिक्स बेसिक्स ऑफ पाइथन इस तरह से कुछ भी नाम आप इसका दे सकते हो। ओके, तो ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली इसी के अंदर, तो इस तरह से आप भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। अब लाइन बाय लाइन इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है देखो हेडिंग, अगर आप हेडिंग डिफाइन करते हो तो कोड रन नहीं होगा, वो एज ए हेडिंग नोट करेगा उसको। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हो बेसिक ऑफ पाइथन, तो शिफ्ट एंटर से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो एज ए ये हेडिंग एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें प्रोग्राम का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एज ए हेडिंग ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसी में अगर हमने मार्कडाउन करके इसमें डिफाइन किया कुछ, तो ये भी आपका सब पॉइंट्स इसमें डिफाइन हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या क्या अभी करने वाले हैं, तो बेसिक्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने किसी स्ट्रिंग को डिफाइन करना है, नंबर को डिफाइन करना है, फिर आपका बुलियन को डिफाइन करना है, उसके बाद आपका लिस्ट हो गया, फिर टपल्स टपल्स हो गए, सेट्स हो गए, उसके बाद ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स हो गए,
तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे शो हो जाएंगे कि ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, और ये भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो नेक्स्ट है इसमें आप कोड कैसे लिखोगे। तो जैसे ही कोड पे लिखोगे तो यहाँ पे अगर फर्स्ट देखो स्ट्रिंग आपने कोई डिफाइन करनी है, मान लो कोई वेरिएबल हम लेते हैं, ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल को हमने जब भी स्ट्रिंग हम डिफाइन करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी नाम रखते हैं हम, तो ये हमारी स्ट्रिंग है। तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो ए वेरिएबल है इस वेरिएबल के अंदर हमने स्ट्रिंग अभिषेक ठाकुर नाम से सेव कर दी। ओके, अगर हमने इसको प्रिंट करना है तो सिंपल हम प्रिंट और जो वेरिएबल का नाम होगा उसको लिख के शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगी। अदर वे भी है इसका कि डायरेक्टली आपने वेरिएबल लिखा और इसको आपने शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो भी आपका जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट है आपका नंबर कैसे आप डिफाइन करते हो। जैसे मान लो बी आपके पास वेरिएबल है, इसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी है 10, तो इसको आपने प्रिंट करना है। तो कैसे आप चेक करोगे, प्रिंट बी। ओके, या डायरेक्टली बी भी अगर आप शिफ्ट एंटर करोगे तो भी आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो बुलियन क्या होता है, बुलियन होगा ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में अगर मान लो सी इज इक्वल टू ट्रू हमने डिफाइन किया। ओके, सी इज इक्वल टू ट्रू हमने डिफाइन किया तो ये प्रिंट अगर हमने इसको सी को किया तो ये ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बुलियन फंक्शंस हैं। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो और ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है, ऑटो सेव, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है ना ऑटो सेव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, तो फाइल में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कि न्यू बोर्ड नोटबुक अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो Python 3 करके आप न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगर आपका Python 2.7 इंस्टॉल है तो यहाँ Python 2 आएगा। अगर किसी फाइल को ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हो, इसकी कॉपी आपने बनानी है, सेव करना है, रीनेम करना है, तो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब अगर आपने पाइथन नोटबुक बना ली है और इसको आपने डाउनलोड करना है तो किस तरह से आप करोगे। अगर सिंपल नोटबुक फाइल ही आपको चाहिए तो .ipbnb फाइल में ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी, python.py फाइल में भी, html फाइल में भी। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है इसमें एडिट। एडिट में आप कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो सेल को, मर्ज कर सकते हो सेल्स को। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास एडिट में आ सकती हैं, व्यू में भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इंसर्ट में अगर आपने सेल को, अब सेल क्या होता है, सेल ये बॉडी जो होती है सेल होती है, अगर मान लो इसके ऊपर या इसके नीचे मैंने किसी सेल को पेस्ट करना है तो इंसर्ट करना है तो यहाँ पे अब करोगे तो यहाँ पे सेल इंसर्ट हो जाएगा। अगर मान लो इसके हमने बिलो हमने सेल को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे ये सेल इंसर्ट हो जाएगा। ओके, अब कर्नल। कर्नल क्या होता है, जब भी हम प्रोग्राम को इस टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट को हम इस सेल के अंदर लिखते हैं तो ये एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन होता है। तो कर्नल का जो काम है वो है एग्जीक्यूशन। अगर कोई आप ऐसी कैलकुलेशन रन करते हो जो कि काफ़ी लॉन्ग है और वो लूप से बाहर नहीं आ रही है तो उसको इंटरप्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये इंटरप्ट, उसको स्टॉप करने के लिए, और अगर अपने उसको दोबारा से स्टार्ट करना है तो हम उसको ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं रीस्टार्ट। अगर हमने रीस्टार्ट और क्लियर करनी है आउटपुट, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं कर्नल्स के ऊपर, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये बजट्स हैं और यहाँ पे आप हेल्प्स देख सकते हो। तो डिफरेंट शॉर्टकट्स जो हैं कि कीबोर्ड्स की कौन सी की को प्रेस करने पे आप कहाँ पे जा सकते हो, तो ये डिफरेंट शॉर्टकट्स आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो बेसिक्स आपको क्लियर हो चुके हैं। अभी तक हमने क्या क्या किया,
फर्स्ट हमने इंस्टॉलेशन एनाकोंडा की की, सेकंड हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया, थर्ड हमने जो नोटबुक थी जुपिटर नोटबुक वो ओपन की वेब ब्राउज़र में, और फोर्थ कैसे हमने फोल्डर्स क्रिएट किए और फोल्डर्स को हमने पर्टिकुलर एक जो भी हमने फाइल बनाई थी वहाँ पे हमने न्यू पाइथन फाइल क्रिएट की, और फिफ्थ उस पाइथन फाइल में डिफरेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल थे हमारे पास, फाइल एडिट व्यू इंसर्ट और जितने भी कोड कैसे लिखते हैं हेडिंग कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि पाइथन जो हमारा बिगनर ट्यूटोरियल है उसमें हम क्या क्या यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ट्यूटोरियल में यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है जो पाइथन है। पाइथन जनरली यूज़ हो रही है रीसेंट टाइम में, काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ हो रही है, तो इसका रीज़न क्या है? इनिशियली ये पॉपुलर नहीं थी और अभी ये काफ़ी पॉपुलर हो रही है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के जो टॉपिक्स हैं उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था पाइथन, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए, तो इसीलिए ये पाइथन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है अभी, क्योंकि इसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इजीली एक्सेस हो जाती हैं और वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें हम क्या क्या आज करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पाइथन टोकन्स डाटा टाइप्स डिस्कस करेंगे, फ्लो कंट्रोल मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, फंक्शंस और फाइल हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है आपका जो पाइथन है वो किसने बनाई, तो 1991 बाय गाइडो वैन रोजम जो ये साइंटिस्ट था इसने पाइथन को क्रिएट किया था। तो पाइथन एक जनरली यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, तो ये नेम किया गया इसको मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम पे। ओके, सो क्यों यूज़ करते हैं हम पाइथन को और इसके क्या क्या एडवांटेज हैं? तो ये फर्स्ट एडवांटेज इसकी है कि सिंपल एंड इजी टू लर्न, करियर अपॉर्चुनिटी, लार्जर ओपन सोर्स कम्युनिटीज आर अवेलेबल, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज आर आल्सो अवेलेबल। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आपकी पास उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आपको बहुत दिक्कत आती है कोई भी प्रोग्राम लिखने में। तो इसलिए जो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में इसके काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जनरल ओपन डिस्कशंस अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जाके आप अगर अपना प्रॉब्लम्स को पोस्ट करोगे तो आपको सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा ओपन सोर्स लाइब्रेरीज हैं इसकी पाइथन की, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर अदर प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसका सिंटैक्स सीखना बहुत मुश्किल है, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है। अगर आप सिंपल बैकग्राउंड से हैं, मतलब कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी पाइथन को आप इजीली लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट, तो कीवर्ड्स पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं तो स्पेशल कीवर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल दिए हुए हैं, नेवर यूज़ इफ़ इट एज अ वेरिएबल। तो कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? कीवर्ड्स वही होते हैं जिनमें हम वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं करते, जैसे ट्रू असर्ट एल्स ग्लोबल रेज नॉन लॉजिकल। अब ये कीवर्ड क्या होते हैं? तो जनरली जब आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हो तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग प्री डिफाइंड होता है, तो इसीलिए हम कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, एज ए वेरिएबल। तो हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं,
तो जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया था, ए बी सी ये वेरिएबल डिफाइन किए थे, तो मैं एक वेरिएबल ट्रू बनाऊंगा, उसमें कोई वैल्यू मैं 12 असाइन कर लूँगा। ओके, तो जैसे ही मैंने ये ट्रू वेरिएबल लिया, इसमें वैल्यू असाइन की 12, इसने एरर जनरेट कर दिया, तो कैन नॉट असाइन टू कीवर्ड। तो ट्रू का मतलब क्या है, ये एक कीवर्ड है और इस कीवर्ड को हम एज ए वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स में क्या है, आइडेंटिफायर्स आर द नेम यूज टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और एन ऑब्जेक्ट। रूल्स डिफाइंड बाय द नेमिंग एंड आइडेंटिफायर्स, नो स्पेशल करेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड एज ए आइडेंटिफायर, कीवर्ड शुड नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर नेम, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव दैट इज वेयर और वेयर आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स, फर्स्ट करेक्टर ऑफ एनी आइडेंटिफायर कैन बी करेक्टर अंडरस्कोर बट नॉट डिजिट। ओके, सो आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, एज ए कीवर्ड। तो कीवर्ड के ये जनरल रूल इन्होंने बताए हैं कि कीवर्ड क्या नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो जो कीवर्ड है उसको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग प्री डिफाइंड होता है प्रोग्राम के अंदर, जो प्रोग्रामिंग पाइथन हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम आइडेंटिफायर इसको कीवर्ड को नहीं यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल करेक्टर्स, जैसे मान लो हम कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज़ करते हैं, जैसे नेम मैंने वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पे हम एट द रेट यूज़ करके इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं क्रिएट होगा, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये जो एट द रेट मैंने यूज़ किया ये स्पेशल करेक्टर है, तो स्पेशल करेक्टर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसको, सिर्फ अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल आइडेंटिफायर लेता हूँ और इसको अंडरस्कोर यूज़ कर लेता हूँ और कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे हम दे देते हैं। ओके, तो ये एज ए वेरिएबल हम इसको और एज ए आइडेंटिफायर इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इस वेरिएबल और इस आइडेंटिफायर के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है कीवर्ड, ये हो गए हमारे। और जब भी आप पाइथन जो है आपकी केस सेंसिटिव है, तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे नेम अंडरस्कोर लिखा और मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखता हूँ नेम अंडरस्कोर इक्वल टू जो भी वैल्यू हमने डिफाइन करनी है, और इसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डिफाइन करते हैं जब भी स्ट्रिंग देनी है हमने, तो दो नेम आपके पास हैं, फर्स्ट लेटर आपका नेम का कैपिटल है, दूसरे में सारे लेटर आपके स्मॉल हैं, जबकि दोनों में वैल्यूज़ जो हैं डिफरेंट वैल्यू सेव होंगी, एक में अभिषेक स्ट्रिंग सेव है, दूसरे में ठाकुर स्ट्रिंग सेव है। ओके, तो इसको आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, फर्स्ट करेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर कैन बी करेक्टर अंडरस्कोर बट नॉट डिजिट, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, 9 नेम इज इक्वल टू ओके, सो दिस विल जनरेट एरर, why, because 9 we have placed as a digit, first digit as a variable or identifier, so it create error. तो जब भी हमने first जो digit है उसको use कर रहे हैं किसी भी identifier में, तो ये error generate करेगा। okay, तो next आ जाते हैं literals के ऊपर। लिटरल्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट यूज इन पाइथन, जैसे हो गए स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिकल लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स, स्पेशल लिटरल्स,
तो लिटरल्स क्या है? फॉर्म बाय एनक्लोजिंग अ टेक्स्ट इन अ कोट्स, बोथ सिंगल और डबल कोट्स कैन बी यूज्ड। तो स्ट्रिंग को अगर आपने डिफाइन करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेड आपके सिंगल कोट और डबल कोट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। तो स्ट्रिंग लिटरल क्या है, ये जैसे ये स्ट्रिंग लिटरल है, ये स्ट्रिंग लिटरल आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नमेरिकल लिटरल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने ये 10 को डिफाइन किया है। बुलियन लिटरल क्या है, जब मैंने इसको ट्रू को डिफाइन किया है। और स्पेशल लिटरल्स में आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं। ओके, सो इसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दी हैं कि जो न्यूमेरिकल लिटरल्स हैं उनकी रेंज क्या क्या है। तो यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव न्यूमेरिकल इंटीजर्स जो रेंज हैं हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लॉन्ग की रेंज हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रियल और कॉम्प्लेक्स हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो बुलियन को हम ट्रू और फॉल्स टू केसेस लेके हम इनकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। स्पेशल लिटरल्स में क्या है कि पाइथन हैज़ अ स्पेशल लिटरल नन। तो नन का मतलब क्या है कि अगर आप नन डिफाइन करोगे तो उसमें कोई वैल्यू नहीं लेगा। यूज टू स्पेसिफाई टू द फील्ड दैट इज नॉट क्रिएटेड। ओके, सो वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10, वैल्यू 2 इज इक्वल टू नन। सो वैल्यू 1 कंटेन 10 वैल्यू एंड वैल्यू 2 शोज नन वैल्यू। ओके, मीन्स इट डज नॉट कंटेन एनीथिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। सो अर्थमेटिक में डिफरेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। वन बाय वन हम इन सभी ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर्स में ये आपके क्या हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो इनके एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपने एडिशन परफॉर्म करना है तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, मान लो 1 प्लस 2 आप परफॉर्म करोगे तो ए में क्या वैल्यू होगी, 3 वैल्यू यहाँ पे ए में सेव हो जाएगी। और बी बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो बी में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, बी में वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, और अगर आपने इसका मॉड फाइंड आउट करना है, जैसे सी इज इक्वल टू 4 मॉड ऑफ 2, 4 मॉड ऑफ 2 मतलब रिमाइंडर कितना होगा इसका, तो सी का जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, 0 होगा। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। ओके, सो ये ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, तो वैल्यू कैसे असाइन करते हैं ये अभी हमने देखा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 10। ओके, सो नेक्स्ट हमने ऑपरेटर लिया ए प्लस इक्वल टू 10। तो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, अब इसमें एक ए प्लस मतलब ए में जो वैल्यू है 10, उसमें 10 और ऐड हो जाएगा, तो 20 आपके पास क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आपने सेम ऑपरेटर यूज़ करना है, जैसे ए मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 2, तो जैसे ही आप ए को एंटर करोगे तो जो 20 होगा, ए में रिजल्ट क्या था प्रीवियस केस में, 20, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स आउटपुट। तो इसमें आप कंपेयर कर सकते हो टू वैल्यूज को। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं हम। इसको इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो जैसे आपने यहाँ पे यूज़ किया तो यहाँ पे आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मान लो
फर्स्ट प्लस माइनस माइनस का कर लेते हैं। तो जैसे मान लो ए माइनस इक्वल टू टू, तो रिजल्ट था हमारे पास 40। 40 में से 2 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 38। ओके, तो इस तरह से आप इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स एज ए आउटपुट। तो उसके लिए हम एंड और नॉट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि हमने ए की वैल्यू हमने असाइन की 10, और अगर ये लेस देन है 10 से एंड 2 इज़ ग्रेटर देन -1, तो इसका मतलब क्या है कि 10 लेस देन 10 है ना, फॉल्स है, और 2 ग्रेटर देन -1 है, ट्रू है। तो एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है कि कोई भी आउटपुट, एंड ऑपरेशंस में क्या होता है कि कोई भी आउटपुट अगर आपकी फॉल्स है तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा, फॉल्स रिजल्ट रहेगा। तो ये जो आउटपुट है ये इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी। ओके, सो अगर आप यहाँ देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद, तो एक की रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स इसमें दोनों, एक आपकी ट्रू है और एक आपकी फॉल्स है, मतलब बी आपकी ट्रू थी, ए आपकी फॉल्स थी, तो भी रिजल्ट हमारा फॉल्स रहा। ओके, सो इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यूज टू परफॉर्म बिट वाइज कैलकुलेशन। सो बिट वाइज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स, और सिंबल हो गया ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, और एंड ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इन्होंने दिया है 7 को, अगर हम 7 को हम यूज़ कर रहे हैं और ऑपरेटर्स के साथ, 7 और ऑफ 5। 7 और ऑफ 5 का मतलब क्या है, तो रिजल्ट आपका 7 आ रहा है, 7 एंड ऑफ 5। ठीक है, ऑपरेटर बिट वाइज कैलकुलेशन। बिट वाइज कैलकुलेशन में आपका बिट वाइज कैसे है, अब इसको समझ लो एक बार। तो बिट वाइज में क्या होता है, जनरली 7 को हम कैसे लिखते हैं, तो अगर हम 1 2 4 8, अगर हमने 7 लिखना है तो 4 5 6, और ये 7 और 8 पे 0 रहेगा। ओके, और 5 अगर लिखना है तो 1 और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 और नहीं, 1 और 1, यहाँ पे 1 रहेगा, तो ये 5 हो जाएगा आपका। तो इसका बिट वाइज ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं हम, और ऑपरेशन कर रहे हैं। तो और ऑपरेशन में क्या होता है, और ऑपरेशंस में होता है, जैसे मान लो आपके पास ए बी और सी, ए बी आपकी इनपुट है और सी आपकी आउटपुट है, 0 1 1 0 1 1 और 0 0। अगर कोई भी एक इनपुट आपके पास ट्रू है तो आउटपुट आपकी ऑलवेज क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, और दोनों इनपुट अगर फॉल्स है तो आउटपुट आपकी फॉल्स रहेगी। तो ऑब्जर्व करो, दोनों आपकी इनपुट्स आपके पास क्या है, ट्रू है, तो रिजल्ट आपका ट्रू रहेगा, यहाँ पे ट्रू रहेगा, यहाँ पे ट्रू रहेगा, और यहाँ पे फॉल्स रहेगा। तो आंसर कितना हुआ हमारा यहाँ पे, 7। तो इसीलिए यहाँ पे शो हो रहा है 7। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है और ऑपरेटर का, और नहीं एंड ऑपरेटर का। तो एंड ऑपरेटर में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, 7 और 5 का सेम एंड ऑपरेटर हम कर रहे हैं। तो अगर एंड ऑपरेटर में कोई भी एक इनपुट 0 या फॉल्स है तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो रिजल्ट हमारा फॉल्स ही रहेगा, मगर दोनों अगर इनपुट आपके पास ट्रू है तो ही रिजल्ट हमारा ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो,
जब आप देखोगे यहाँ पे दोनों आउटपुट आपकी वन है तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये कितना बना, वन और फोर, वन प्लस फोर फाइव, तो फाइव आंसर आएगा हमारा। तो इसको चेक कर लेते हैं, तो सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था और ऑपरेटर से, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं, सेवन एंड ऑफ फाइव। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फाइव आएगा। ओके, सो नेक्स्ट टेस्ट, टेस्ट इफ़ द टू ऑपरेटर्स टीम आइडेंटिटी। तो उसके लिए ऑपरेटर हैं इज और इज नॉट। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर हम एक्स को टेन लेते हैं और एक्स इज टेन, तो ये बूलियन में आपको रिजल्ट देगा कि ये ट्रू है, कि एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो टेन है या नहीं है। सो एक्स इज इक्वल टू टेन, एक्स इज नॉट टेन, तो ये फॉल्स देगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स में हमने वैल्यू डिफाइन कर ली टेन, ओके, और इसको हमने यहाँ पे चेक किया, एक्स इज टेन, तो ये रिजल्ट क्या देगा, ट्रू। अगर एक्स इज इक्वल टू दोबारा से हमने टेन डिफाइन किया और x is not 10, तो ये क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं आइडेंटिटी को।